सर्वोपचारी चारित्र का और उसकी महिमा और अहंत अवस्था को बताया था कल कि मुनिराज जब आत्मचिंतन में लीन हो जाते हैं तभी उन्हें जो वचनातीत आनंद प्राप्त होता है वह आनंद इंद्र धर्मेंद्र चक्रवर्ती अहमेंद्र क्रम से बताया था। राजा से चक्रवर्ती को, चक्रवर्ती से भोग भूमि के जीवों को, भोग भूमि के जीवों से व्यंतर देवों को और व्यंतर देवों से ज्योतिष देवों को और ज्योतिष देवों से वैमानिक देवों को और वैमानिक इंद्रों से अहम इंद्रियों को विषय में भोग सामग्री अधिक अधिक होती है, लेकिन उनका आनंद विषय चाह और आकुलता सहित होता है, उन्हें निराकुल सुख प्राप्त नहीं होता। लेकिन स्वरूपाचरण चारित्र को प्राप्त हुए वे महामुनिराज जो आनंद प्राप्त होता है उसका अंत यानी उसका वर्णन हम नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्र धर्मेंद्र आदि को उतना आनंद नहीं मिलता जो स्वरूपाचरण चारित्र वालों को मिलता है। और ऐसे स्वरूपाचरण की प्राप्ति करके जो मुनिराज शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा घाती कर्म रूपी वन को जगा देते हैं, वे ही केवल ज्ञानादि की प्राप्ति करके अरहंत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसे अरहंत अवस्था को प्राप्त करने वाले वे अरहंत देव 18 दोषों से रहित होते हैं और इनकी पूजा अर्चा करने से हम लोगों का भी कर्म का नाश होता है। कल श्रावकाचार्य ने दोपहर के क्लास में बताया था कि किनकी पूजा करना चाहिए, तो वैयावृत्ति में उसके बारे में बताया कि देवादि देव चरणे परिचरणम सर्व दुख निरहरणम कामदुहि कामदाहिनी परिचानुया दादृतु नित्यम, कि वे देवों के देव जिनके चरण पूज्य है और उनके चरणों की पूजा नित्य करने से सर्व दुख निरहरणम सब दुखों का नाश होता है। कामदोहिनी कामदोही यानी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली और काम वासनाओं को नष्ट करने वाली ऐसी वे वीतराग भगवान जिनको हम अरिहंत देव कहते हैं, वे अरिहंत देव ही पूज्य होते हैं, क्योंकि दोष निकल गए हैं उनके, इसीलिए वे हमारे लिए आदर्श है और आदर्श की पूजा करने से ही हमारा जीवन आदर्शमय बन सकता है। पूज्य की पूजा करने से पूजक भी पूज्य बन जाता है। और ऐसे वे अरहंत अवस्था में प्राप्त हो गए क्योंकि चार घातीय कर्मों को उन्होंने नाश किया, क्योंकि चार घातियों को नाश करने के कारण ही वे पृथक वितर्क शुक्ल ध्यान आठवें गुणस्थान से लेकर बारहवें गुणस्थान तक पाया जाता है और एकत्व वितर्क बारहवें गुणस्थान में पाया जाता है और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती
शुक्र ध्यान 13वें गुण स्थान में पाया जाता है तथा व्यकृत क्रिया निवृत्ति शुक्र ध्यान 14वें गुण स्थान में पाया जाता है। तो अरिहंत देव का गुण स्थान 13 है और इसी समय हम लोगों के लिए एक अंत में एक शब्द आया है उन्होंने कि भवी लोगों के लिए शिव मग, तो उन्होंने ऐसे अरिहंत देव के द्वारा जिन्होंने अपने कर्मों को शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा चार घाटियों रूपी जंगल को जलाया है, तब उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया है और तीन लोक और तीन कालों में होने वाले सब पदार्थ और गुणों और पर्यायों को जानते हैं और इसलिए संसार के भव्य जीवों के लिए मोक्ष मार्ग बताया है। संसार में सबसे दुर्लभ है मार्ग, क्योंकि सब दर्शन है, बहुत दर्शन है, षट दर्शन कहा जाता है। बाकी के दर्शनों में मंजिल बताते हैं लेकिन मार्ग सबके पास नहीं। मंजिल की जानकारी होगा लेकिन मंजिल तक कैसे पहुंचे इसका अगर ज्ञान नहीं तो उस मंजिल को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो मंजिल हमारा मोक्ष है लेकिन मोक्ष तक जाने के लिए मार्ग चाहिए और मार्ग के अभाव में संसारी प्राणी संसार में भटक रहा है। मार्ग के बिना मंजिल प्राप्ति नहीं होगी। चलने वाला चल रहा है लेकिन समीचीन मार्ग पर चलेगा तो मंजिल को प्राप्त करेगा, नहीं तो नहीं कर सकता। नहीं तो पैरे हम चलेंगे लेकिन पहला लक्ष्य, कल एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, महाराज मोक्ष की इच्छा करना भी ये भी मोह है। एक अन्य गणित जैन समाज के है लेकिन जैन धर्म का अध्ययन नहीं किया उन्होंने, वो कहता है वो भी नहीं होना चाहिए। हमने कहा आप जिस गांव से आए हैं पहला आपको चिंतवाड़ फिक्स करना पड़ा, ऐसे कहे इसलिए यहाँ तक आ गए। अगर गांव से निकलते समय चिंतवाड़ हमें जाना है, महाराज के पास हमें जाना है, ये जब तक फिक्स नहीं करेंगे तब तक यात्रा नहीं कर सकती। यहाँ तक हमें चिंतवाड़ से मोह नहीं है लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले अंतिम लक्ष्य हमारा करना पड़ेगा और उसके अनुसार साधन को अपनाना पड़ेगा तो साध्य की प्राप्ति हो जाती है। हमें उससे मोह नहीं लेकिन लक्ष्य एक बार बनाया जाता है। जीवन का लक्ष्य ध्येय एक है, परमात्मा बनना, ये पहला बनाना पड़ेगा। अब परमात्मा कैसे बनना वो साध्य है, तो साधन क्या चाहिए, तो रत्नत्र ही साधन चाहिए और यही उस अरिहंत देव ने नीचे पीछे आने वाले लोगों के लिए, भव्य लोगों के लिए मोक्ष का मार्ग बताया और ऐसे वे अरिहंत देव। अब इसके बाद कहा जाता है अरिहंत के बाद सिद्ध भगवान है उनकी अवस्था क्या होती है। पुण्यघाति शेष अघाति विधिन्न माहि अष्टम भुवसे वसु कर्म विनसे सुगुण वसु सम्यक्त्व आदिक सबलसे संसार खार अपार पारा वार परिति रही गए अविकार अकल अरूप सुचिचिद रूप अविनाशी भये पुण्यघाति शेष अघाति विलिछिन माहि
अष्टम भुवते वसु कर्म विनसे सुगुण वसु सम्यक्त्व आदिक सबलसे संसार खार अपार पारावार करिति रहि गए अविकार अकल अरूप सुचिति दरूप अविनाशी भये द्वे अरिहंत अवस्था या केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद शेष यानी बाकी के बची हुई जो चार अघात्य कर्म है उस अघात्य कर्मों को नाश करके थोड़े समय में अष्टम भू यानी आठवीं पृथ्वी ऐसे वे मोक्ष है वहां निवास करने लगते हैं। अरिहंत जो बनते हैं वो नियम से सिद्ध बनते हैं। केवल ज्ञानी घाती कर्म को नाश करने वाले होते हैं और जो चार अघाती कर्म है उसको नाश कर लेते हैं वे सिद्ध। तो ऐसे वे अघाती कर्म की अष्टम भूव से तो बाकी की जो आठ कर्म है चार कर्म जो रह गए थे यानी पहले के चार और बाकी बाद के चार अघात्य कर्म क्योंकि जिन कर्म के उदय से जीव के ज्ञान आदि जो अनुजीवी गुणों का घात नहीं होता उसको अघात्य कर्म होते हैं और ऐसे अघात्य कर्म चार होते हैं वेदनीय आयु नाम और गोत्र। तो ऐसे वे चार घाती कर्म कल बताया था ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी और अंतराय ये घाती कर्म चार और अघाती वेदनी आयु नाम और गोत्र। तो इनको क्या करते हुए कि नष्ट करने के बाद अष्टम भूवस्व यानी लोक के अग्रभाग में जहाँ सिद्ध भगवान रहते हैं विराजमान हो जाते और इस भूमि को अष्टम भूमि कहते हैं अर्थात इसी ही है इसको हम सिद्धालय कहते हैं। तो सिद्धालय में भी विराजमान हो जाते हैं और ऐसे वहाँ विराजमान होने के बाद निवास करने पर वहाँ आठ कर्मों को विनाश होने से सम्यक आदि सभी आठ प्रधान गुण शोभायमान होने लगते हैं क्योंकि मोक्ष प्राप्त हो गया। मोक्ष कब प्राप्त होता है कि बंद हेतुभाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्ष मोक्ष। तो बंद के हेतु का की निर्जरा हो गई। बंद के हेतु क्या थे मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय योग बंद हेतु तो इसको उन्होंने नाश करने के कारण वे आठ गुणों को प्राप्त किए। ज्ञानावरणी कर्म का क्षय किया पर ज्ञान गुण प्राप्त हो गया। दर्शनावरणी कर्म का क्षय किया तो दर्शन गुण प्राप्त हो गया। वेदनी कर्म का क्षय करने से अव्यावाद सुख प्राप्त हो गया और मोहनी कर्म के क्षय से सम्यक्त गुण की प्राप्ति हो गई और आयु कर्म के क्षय से अवगाहनत्व गुण प्राप्त हो गया और नाम कर्म के क्षय से सूक्ष्मत्व गुण प्राप्त हो गया और गोत्र कर्म के क्षय से अगुरु लघु गुण प्राप्त हो गया और अनंत अंतराय कर्म का क्षय से वीर प्रकट हो गया। तो कर्मों को नष्ट करते ही उनका ऊर्ध्वगमन होता है। उदाहरण
उदाहरण बताया, क्योंकि सेतु का अभाव होते ही जीव ऊर्ध्वगमन को प्राप्त होता है और ये मोक्ष समस्त कर्मों का क्षय होने के कारण वे ऊर्ध्वगमन को प्राप्त होते हैं। क्योंकि इसके लिए उदाहरण बताया है, दग्ध बीज अंकुर को प्राप्त नहीं होता, बीज जल गया अब अंकुरित नहीं होगा, जब तक बीज के ऊपर छिलका रहेगा तब तक वो अंकुरित होता है। हम जिनेंद्र भगवान के सामने अक्षत चढ़ाते हैं, चावल, चावल क्यों चढ़ाते, क्योंकि ऊपर का छिलका निकल गया है। और हम वितरा भगवान के सामने भावना क्या गाते, जैसे हम आपके सामने चावल चढ़ाते हैं और चावल बोने से अंकुरित नहीं होता और छिलके सहित चावल अंकुरित होता है, तो छिलके रहित वाला चावल चढ़ा के जैसे हम भावना बहाते हैं कि मेरा भी जन्म जरम मृत्यु का नाश हो इसलिए चावल चढ़ाते, तो उसी तरह आत्मा के ऊपर कर्म क्या छिलका है, तो वह छिलका निकलते ही अब वो चावल जैसे अंकुरित नहीं होता, उसी तरह ऊपर का छिलका निकलना यानी कर्म रूपी बीज कर्म है वो ऊपर का, कर्म निकलते ही अब बीज अंकुरित नहीं होगा, तो उसी तरह कर्म नष्ट होते भव अंकुर उत्पन्न नहीं हुआ। भवने संसार, संसार रूपी कर्म के कारण संसार में बेभव अंकुर हो रहा था, अब कर्म निकल गया तो अब भव रूपी अंकुर उसमें नहीं आएगा, तो वे भगवान अष्ट कर्मों को नष्ट करने के कारण अब वे संसार में नहीं आते। और उसके लिए तत्वा सूत्र में उदाहरण बताया है कि आविद कुलाल चक्रवत व्यवगत लेपाला बुधेरेन्द्र बिजावगनी शिखावश्च, सातवा सूत्र दसवीं अध्याय में बताया है, बहुत अच्छा समझाया कि कर्म को नष्ट करते ही जीव ऊर्ध्वगमन ही क्यों करता है, इधर उधर क्यों नहीं जाता, तो कहते पूर्व संस्कार। जिस प्रकार कुम्हार होता है, कुम्हार के द्वारा घुमाए हुए जो चक्र होता है, घुमाने को बंद करने के बाद भी कुछ समय तक वो घूमता रहता है चक्र, एक दो तीन बार ऐसा चक्र उस लठिया से घुमा देता है, लठिया साइड में रखता है तो भी चक्र क्या होता है घूमता रहता है। तो उसी प्रकार जीव पूर्व संस्कार के कारण कुछ समय में गमन करके शीत लोक में पहुंच जाता है। अनंत काल से भावना भाया था जीव ने क्या बनने का, शीत बनने का, वह ऊर्ध्वगमन की भावना भाता था, जिसे चक्र को घुमाने के बाद बंद करने के बाद चक्र घूमता है, उसी तरह वे क्या करता है पूर्व संस्कार के कारण कुछ समय में गमन कर देता है। तो बाद में एक शब्द आता है व्यपगत लेप यानी संघ का अभाव हो जाता है, जैसे मिट्टी के भार से भरी हुई तुम्बी, तुम्बी यानी भोपड़ा होता है, भोपड़े के ऊपर कीचड़ लगाएंगे तो कीचड़ लगने के बाद भोपड़ा पानी के ऊपर रहता है तो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कीचड़ है, और जो कीचड़ के कारण तुम्बी जल में डूब जाती है वैसे ही कर्म के भार से लदा हुआ यह जीव कर्म के वश में होकर संसार में डूबा रहता है। लेप जब तक कीचड़ का रहेगा तब तक तुम भी नीचे रहेगी, उसी तरह जब तक हमारे ऊपर कर्म आत्मा के ऊपर रहेगा तब तक संसार रूपी समुद्र में हम डूबे ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही कर्म के भार से मुक्त होता है
तो तुम भी कीचड़ से जैसे कीचड़ निकल जाता है वैसे तुम भी बोपड़ा ऊपर आ जाता है। उसी तरह कर्म का भार कम होते ही जीव क्या होता है ऊपर आ जाता है। कहाँ आता है कि पानी के ऊपर आता है। उसी तरह हमारे आत्मा संसार में से सिद्धालय में विराजमान हो जाता है। बहुत छोटा सा उदाहरण देकर समझाया है। लेप ज्यादा लगा के मत लेना कीचड़ का। ज्यादा कीचड़ लगाएंगे तो तुम भी को ऊपर आने में टाइम लगेगा। उसी तरह ज्यादा कर्म का बंद करके लेंगे तो संसार समुद्र में ही आत्मा अनंत काल तक रह सकता है। तो ऐसे भी संघ का अभाव होने के बाद लेपाला उदेन्द एरंड का बीज का उदाहरण दिया है। दो तीन तीन चार उदाहरण के द्वारा बहुत अच्छा समझाया। तो बंद के छेद होने से किसका बंद किसको था और कैसे निकल गया। एरंड के बीज एरंड होता है और एरंड के उस टीड़ा में उस कोश में बंद होता है। जब तक गीला रहता है तब तक बीज उसी में रहता है। जैसे जैसे वो सूख कर उस एरंड का मुख क्या होता है वो फल रहता है ना धीरे धीरे खुलता जाता है। और जैसे जैसे सूख कर वह करता है तो बाद में जब पूरा खुल जाता है तो उसमें से वो एरंड का बीज उछल कर ऊपर की ओर जाते है और पहला चट करता है। वो बीज चटकने के बाद नीचे जाता है क्या ऊपर जाता है। पहला ऊपर जाता है। तो क्या हुआ कि बंद का छेद होने कारण उसका जो बंद था वो छेद होने के कारण जैसे वो ऊपर जाता है उसी प्रकार मनुष्य आदि भाव में से ले जाने वाले गति आदि समस्त कर्मों के बंधन कट जाने पर आत्मा ऊपर को ही जाता है। ये उदाहरण आचार्य महाराज ने बताया। और बाद में कहते कि शिखाग्नि शिखा अग्नि की शिखा यानी ऊर्ध्वगमन स्वभाव ऊपर ही क्यों जाता है। तो उदाहरण बताते वायु के न होने पर दीपक की जो लो होती है दीपक की ज्योत वो ऊपर को ही जाती है। वैसे ही मुक्त जीव भी अनेक गतियों में ले जाने वाले कर्मों के अभाव में ऊपर को ही जाता है क्योंकि आग का स्वभाव ऊपर को जाने का है। वैसे जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन नियम से है। और ऐसे तीन चार उदाहरण के द्वारा बताया कि वे सिद्ध ऊपर अपने उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसे भी शोभायमान आठ गुणों से शोभायमान होते हैं और ऐसे भी जीव ऊपर पहुंच जाते हैं। और अब जब बीज नहीं है तो वृक्ष कहाँ से आएगा। जब तक बीज रहेगा तब तक वृक्ष आएगा। बीज जब तक कर्म रहेंगे तब तक जीव संसार में नियम से रहेगा। तो इसीलिए जब तक वह बीज नहीं जलाएंगे तब तक वह उसकी उत्पत्ति बंद नहीं हुआ क्योंकि बीजा भावे तरोरी वह कहाँ आता रत्नकण श्रावक आचार्य में आया था। क्योंकि बीज जब तक रहेगा तब तक तरोरी वह यानी वृक्ष आएगा। और ऐसे वृक्ष को दग्ध करने के लिए यहाँ बताया जा रहा है क्योंकि मुक्त जीव अपने स्वाभाविक शाश्वत सुख में अनंत काल तक विराजमान रहते हैं। और जन्म आदि परिभ्रमण के कारण कर्मों के सर्वथा अभाव होने से उनका मुक्ति से पुनरागमन नहीं होता। एक बार आत्मा सिद्धालय में विराजमान हो गया अब पुनरागमन
नहीं होगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने संसार की व्याख्या बताई थी, गाड़ी का रिवर्स होना ही संसार है। रिवर्स में आना नहीं, क्या यहाँ से निकलना और वापिस आना, ये रिवर्स में है। रिवर्स में गाड़ी नहीं आई सिद्धों की, वो क्या हो गई, वहीं पर जाकर रुक गई। हम बार बार रिवर्स करने की आदत हो गई, गाड़ी जैसे ट्रैक्टर आदि करते हैं, मोटरसाइकिल रिवर्स करते हैं, उसी तरह हमारे आत्मा भी रिवर्स होता रहता है, बार बार संसार में आता जाता है, क्योंकि पुनरागमन उनका अब नहीं होता। और कहा भी जाता है कि कारण अभावे कार्य का अभाव, कारण का अभाव हो गया तो कार्य का अभाव हो गया। कारण जो थे बंद के हेतु थे उसका अभाव हो गया तो कार्य का भी अभाव हो गया। और बीज के अभाव में वृक्ष नहीं पैदा होता, इसीलिए तीर्थंकर लोग अंतहीन यानी अंत हो गया। और इसके बाद वो संसार में आते नहीं। कई लोग कहते हैं, कई लोगों का भ्रम है कि जैसे कहते कि यदि संसार के जीव सब मुक्त हो जाएंगे तो संसार क्या रहेगा, खाली रहेगा। बहुत चिंता है संसार के लोगों को कि सब मुक्त हो गए तो, कई लोग कहते ना सब दीक्षा लेंगे तो आहार कौन देगा, दीक्षा ले तो हम व्यवस्था करते। लोगों को चिंता बहुत, महाराज सब दीक्षा लेंगे, आप कहते अरे का बनो मुनि बनो, सब लेंगे तो दे आहार कौन देगा, आप दीक्षा तो ले लो, सब दीक्षा नहीं ले सकते तो हर व्यक्ति मुक्त हो नहीं सकता। तो जो भ्रम है, क्योंकि संसार वापिस नहीं आते तो कई समय ऐसा हो जाएगा कि सब मुक्त हो जाएंगे और संसार खाली हो जाएगा, इसलिए मुक्ति से पुनरावृत्ति वे लोग मानते हैं। इसलिए अन्य दर्शन पुनरावृत्ति मानता है कि भगवान होने के बाद वे यदा यदा धर्मस्य तो मैं जन्म ले लूंगा। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान बनने के लिए जन्म दिया जाता है, क्योंकि उदाहरण छोटा सा वही है, दूध में से घी निकल गया, घी पुनः दूध नहीं बनता, क्योंकि एक चम्मच घी एक बैरल में रखने के बाद ऊपर से टनोटन भी पानी रखा जाए उसके ऊपर, पानी ज्यादा है क्या घी ज्यादा है, वहां पानी ज्यादा है तो पानी ज्यादा होने के कारण घी नीचे रहना चाहिए, लेकिन घी क्या होता है छोटा सा आधा चम्मच है तो भी वो घी कहाँ गया, पानी के ऊपर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि वो शुद्ध है। पानी ज्यादा होती हुई घी कम होती हुई भी घी पानी के ऊपर क्यों आ गया, शुद्ध है। उसी तरह संसार में एक बार आत्मा शुद्ध बनता है और सिद्ध बनता है तो वह सिद्धालय में विराजमान होता है, वो नीचे संसार में कभी भी नहीं आता। संत पत्र महाराज ने कहा है कि काले कल्प शति शिवाना, अनेक कल्प काले कितना भी तीन लोग को डमरू जैसे कोई घुमा भी दिया जाए लेकिन सिद्धों में कोई भी परिवर्तन न विक्रिया, विक्रिया उसमें नहीं होती, वो वही स्वस्थ रहते, ये उसका प्रभाव है। क्योंकि उन्होंने अष्ट कर्म को नष्ट करके क्या किया, अष्टम वसुधा पाने को, अब पूजन बोलते ना अष्टम वसुधा पाने को, अष्टम वसुधा ने कौन सी वसुधा, वही मोक्ष। तो ऐसे अष्टम वसुधा उन्होंने प्राप्त किया और ऐसे अष्ट कर्म को नष्ट करके अष्टम वसुधा को प्राप्त करने के कारण हम अष्ट द्रव्य से उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि पूज्यता आ गई उनमें। इसीलिए छिलका रहित चावल चढ़ाया हमने,
कभी कभी चिंतन होता है कि छिलका रहित तो परिग्रह रहित, परिग्रह रहित वालों का के सामने ही चावल चढ़ता है, परिग्रह रहित वालों की ही पूजा होती है, परिग्रह वालों की पूजा तीन काल में नहीं होती। परिग्रह क्या है महाराज? 24 परिग्रह, 10 बाहरी और 14 अंतरंग। अंतरंग परिग्रह जानते नहीं आप, ठीक रहे। बाहरी परिग्रह तो दिखता है, कपड़ा तो दिखता है क्या? नहीं, कपड़ा आ गया पूज्य नहीं है। क्षेत्र वास्तु धनधान दासीदास कुप्रधान आदि जो 10 परिग्रह बताया है उसमें से एक भी परिग्रह आता है तो पूज्यता उसमें है ही नहीं। वो कोई भी हो, मंदिर के हो, बाहर के हो, नहीं तो ऐसा नहीं कि बाहर का विष नहीं खाना और घर का विष खाना। विष तो विष, रागी तो रागी, वीतरागी तो वीतरागी। तो वीतरागता कब आती है? वीतरागता जैसे छिलके से रहित चावल होता है उसी तरह राग रहित अवस्था ही पूज्यता में आ जाता है, क्योंकि दग्ध किया है उन्होंने अपने कर्मों को, इसीलिए भव अंकुर उनका नहीं हो जाएगा। हम संसार मंदिर में आते हैं जन्म जरा मृत्यु के नाश के लिए, और जिनका जन्म जरा मृत्यु नाश हो गया उन्हीं की पूजा करने से ही हमारा जन्म जरा मृत्यु नाश होता है, नहीं तो नहीं होता। कल डॉक्टर को भी बताया था निर्दोष की पूजा निर्दोषता प्राप्त करने के लिए होता है। हमें निर्दोष बनना है तो दोषी की आराधना उपासना वंदना तीन काल में नहीं हो सकता। भूखे के पास भूखा कोई है तो वह रोटी वालों के पास जाना पड़ेगा, निर्धन को धनी के पास जाना पड़ेगा, दुखी को सुखी वालों के पास जाना पड़ेगा, दुखी दुखी के पास जाएगा तो दोनों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। और सुख हमें प्राप्त करना है तो अनंत सुख को प्राप्त करने वालों के चरणों में जाना चाहिए। तो ऐसे वे वीतराग भगवान ऐसे वे आठ कर्मों को नष्ट करने के प्रधान आठ गुण हैं, इसमें शोभायमान हो लगते। और ऐसे जीव संसार खार अपार पारावार, संसार रूपी खारे और अगाध समुद्र को पार कर दूसरे किनारे को प्राप्त हो जाते हैं। संसार रूपी खारा कौन सा पानी है? संसार का मीठा खारा पानी है, मीठा, क्योंकि खारा पानी की क्यों उपमा दी? खारा पानी कितना भी पिए जाए प्यासे नहीं बुझती। क्या बुझती? बुझ रही क्या? आपकी बुझ रही लगता है थोड़ा सा। खारा पानी पीने से प्यास नहीं बुझती तो संसार रूपी खारा और कितना है? अगाध समुद्र है वो। कभी गोवा गए क्या? समुद्र देखा है क्या? किनारे पर मड़गांव के वहां किनारे पर खड़ा हो जाना और वहां से देख लेना समुद्र को, दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो हमें कहां से मालूम है क्या? संसार आवाज है, अनादिकल से आ रहे हम लोग, कहां से आए पता नहीं, अब कब तक जाएंगे पता है क्या? लगा सकते अपने हाथ में, ऐसा नहीं कि कहां से आए और कहां तक जाते क्या पता, ऐसा नहीं। कहां से आए नहीं, कहां जाना है इसका तो निर्णय हम कर सकते हैं। तो आई है कहां से, भूलना है जाना कहां, इसको जानना है।
क्योंकि अगाध है वो, अपार है, और ऐसे उस अगाध समुद्र को पार कर दूसरे किनारे को प्राप्त हुए। हमें अभी किनारा ही नहीं मिल रहा है, हम बार बार उसमें डूबते जा रहे, मरते जा रहे, जन्म लेते जा रहे, लेकिन अभी तक किनारा ही नहीं दिख रहा है। अभी बीच में है, हम भंवर में है। अब किनारा कब दिखेगा? जब तक वीतराग देव, निर्ग्रंथ गुरु और शास्त्र को नहीं समझेंगे, तब तक किनारा कितनी दूर है मालूम नहीं होगा, और किनारा दिखेगा भी नहीं हमें। हमें गुरु महाराज ने हैको लिखा है, 14 अक्षर का होता है, उसके भाव ये है, बहुत दूर से आया था, आवाज दे दिया भगवान को, भगवान ने हमारी आवाज नहीं सुनी, गुरु ने हमारी आवाज सुनी, क्योंकि सुनने वाला सामने है नहीं, देव तो है ही नहीं हमारे सामने, तो गुरु ने आवाज सुनी और हमें अपनाया, यानी उन्होंने हमें मार्ग बताया। इसके कारण हमारा अगाध संसार जो था, संसार रूपी खारा जो पानी से अगाध समुद्र था, उसके तैरने के योग्य मैं बन गया। मैं तैर रहा हूं, मुझे विश्वास है, और किनारा हमारा पास आएगा। तो अरिहंत देव ने सिद्ध बनने के बाद भी दूसरे किनारे को प्राप्त हो जाते हैं, और वहां होने के बाद अविकार, विकार रहित, अकल यानी कलन शरीर, शरीर से रहित, और अरूप रूप से रहित, सुचि यानी शुद्ध निर्दोष, शुद्ध बन गए, और चिद रूप यानी दर्शन ज्ञान चेतना स्वरूप तथा अविनाशी यानी नित्य वे हो जाते हैं। अब उनका नाश नहीं होगा, अब उनकी मृत्यु नहीं होगी, क्योंकि मृत्यु होने वालों का जन्म होता है, निर्वाण होने वालों का पुनरागमन नहीं होता। हमने अभी तक मृत्यु को प्राप्त किया है, लेकिन निर्वाण को प्राप्त नहीं करने के कारण ही संसार में बार बार लौट रहे। तो ऐसे वे पुनः नहीं लौटना है, तो ऐसे वे कार्य करने वाले अरहंत देव सिद्ध बनकर संसार रूपी इस खारे और अगाध समुद्र को पार करके दूसरे किनारे को प्राप्त हो जाते, और विकार रहित, शरीर रहित, रूप रहित, निर्दोष दर्शन ज्ञान चेतना स्वरूप तथा नित्य वे हो जाते हैं। ऐसे अमूर्तिक शुद्ध चैतन्य रूप और अविनाशी वे सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे बताए, आगे बताया जा रहा है कि रत्नत्र का फल और आत्महित में प्रवृत्ति का उपदेश। निज माहि लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित तये, रहे है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परम ये, धनि धन्य है जे जीवन रभव पाय यह कारज किया, तिन्ही अनादि गमन पंच प्रकार तदिवर सुख लिया,
स्वामी जमाहि लोक अलोक गुण पर जाय प्रतिबिंबित थये रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परनये धनि धन्य है वे जीवन रभव पाय यह कारज किया तिन्ही अनादि भ्रमन पंच प्रकार तजिवर सुख लिया। उन चित्त भगवान के आत्मा में लोक और अलोक के गुण और पर्याय झलकने लगते हैं। जैसे मोक्ष गए हैं उसी प्रकार अनंतानंत काल तक वे रहेंगे। वे सिद्ध भगवान लोक और अलोक के गुण और पर्याय उसमें झलकने लगते हैं, क्योंकि सिद्ध मोक्ष पर्याय में सिद्ध भगवान के ज्ञान में लोक जहाँ क्षेत्र में पाए जाते हैं, ऐसा लोक और अलोक जहाँ सिर्फ आकाश द्रव्य पाया जाता है, ऐसे संपूर्ण पद्रव्यों की गुण और पर्याय झलकने लगती है। जिस अवस्था में मोक्ष है उसी अवस्था में अनंत काल तक वहां रहेंगे वे, और उसमें विकार नहीं होगा। और तीन लोग को विचलित करने वाले भयंकर उपद्रव के होने पर भी कभी भी चलायमान नहीं होंगे। कितना भी तीन लोग में तहलका मच जाए, क्योंकि इसी बात को अभी हमने ये बताया था समंतर महाराज ने कहा है कि काली कल्प क्षति करोड़ों अनंत कल्प काल भी आ जाए लेकिन अब उनमें परिवर्तन नहीं होगा। और गुरु महाराज ने बताया था एक बार कि पंच कल्याण में कि डमरू को हाथ में लेकर जैसे घुमाया जाता है, तो उसी तरह तीन लोगों को कोई घुमा भी दे तो भी सिद्धों में परिवर्तन नहीं होगा। और कब तक रहेंगे? अनंत काल तक रहेंगे। घी कितने दिन तक रहता है? बहुत सालों तक रहता है। सबसे ज्यादा मर्यादा घी की है, 100 साल का घी मिलता है। वैद्य लोग अजमेर के एक वैद्य आए थे, वो बता रहे थे 100 साल का घी हो आंखे में कितना भी दर्द हो डालेंगे तो आंख ठीक हो जाती है। 100 साल का घी मिलता है। जो वैद्य लोग होते हैं वो पैक करके रखते हैं, जिनकी हम परंपरा चलती है उनके पास मिलता है। तो जब घी यहाँ शुद्ध बनाया तो 100 साल तक रहता है। तो एक आत्मा कर्मों को नाश करने के बाद अनंत काल तक नहीं रहेगा क्या? रहेगा, अनंत काल तक वहां रहेगा। उसमें कोई भी परिवर्तन, क्योंकि कोई भी उपद्रव होने पर भी विचलित नहीं होते और कभी भी चलायमान नहीं होंगे। और ऐसे भी मोक्ष गए और उसे अनंत अनंत काल तक भी रहेंगे। और यह धनी धन्य है यह जीव, जिन जीवों ने मनुष्य पर्याय पा करके यह मुनि पर आदि की प्राप्ति रूप कार्य किया है, उन्होंने क्या किया है कि नरभव मिलने के बाद यह पाय कार्य किया। कौन सा कार्य किया उन्होंने? कि यह कार्य किया, मुनि पद को प्राप्त किया। और वे धनी धन्य अत्यंत प्रशंसा के पात्र है। और तीन ही ऐसे ही जीवों ने अनादि काल से चले आए हुए पंच प्रकार यानी पांच परिवर्तन रूप द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव
पहले चरला के पहले ढाल में इसका वर्णन किया गया। तो ऐसे पंच परावर्तन रूप संसार को भटकने को त्याग कर उत्तम सुख पाया है। धन्य धन्य है जीव जीव नर भव पाकर कार्य किया, नर पर्याय का मनुष्य पर्याय की सार्थकता किसमें है? मनुष्य पर्याय की सार्थकता मुनि बनने में है, क्योंकि मुनि पद के बाद ही ये कार्य होता है, क्योंकि साधन है मुनि पद, साध्य है मोक्ष पद। साधन के बिना साध्य नहीं होगा। हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए तो रत्नत्रय चाहिए। हमें खिचड़ी बनाना है, खिचड़ी बनाना है तो कैसे बनाना? सिर्फ बर्तन में पानी डाल के, सिर्फ चावल डाल के खिचड़ी बनेगी? क्योंकि उसमें दाल भी डालना पड़ेगा तब खिचड़ी बनेगी। वो तो साधन साध्य और साधन तो मुनि पद के रत्नत्रय के साथ मुनि पद एक साधन है और मोक्ष उसका साध्य है। तो ऐसी अनादि काल से और वही प्रशंसा के पात्र है। अनादि काल से चले हुए पंच परावर्तन रूपये भटकने को त्याग कर उत्तम सुख पा लिया। समय आपका हो गया। कल इसका विषय और थोड़ा सा बताएंगे। स्वरूपाचार्य चारित्र का और